हेलो दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए लेकर मांडव टूर का पार्ट टू। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस न्यू व्लॉग में। तो चलिए अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये मेरे स्टूडेंट्स आपको बताएंगे। मेरा नाम है देवदाल दियोरा। तो आज हम जाने वाले हैं रानी रूपवती बाई के महल में और राजा बहादुर के महल में। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग अंदर आ चुके हैं और हम लोगों ने हमारी बस को यहाँ पर पार्क कर दिया है और हमें जाना है वहाँ जहाँ पर आप दो किले देख रहे हो, गुम्बज बोल सकते हैं जिसको हम। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। देखिए हम लोग उसके कितने पास आ चुके हैं और ये है हमारी पूरी ईपीएस की टीम। अभी हमें यहाँ से ऊपर चढ़ना है, तो चलिए चलते हैं ऊपर की ओर। हाँ चलो चलो। आंखों में लग जाएगा। चलो चलो चलो। चल रहे ना ऊपर। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर ऊपर और यहाँ पर सभी बच्चे सब पत्थर है ना किले में भागने की तैयारी पे। देखिए इनके अंदर की जानने की क्यूरियोसिटी जाग उठी है। ये देखिए मांडव का किला, रानी रूपमती महल। ये बिल्डिंग सी लेवल से 2100 फीट की हाइट पर है और जस्ट बैक साइड पर जो एरिया है निमाड़, उससे हम लोग 1200 फीट की हाइट पर बैठे हुए हैं। इतनी हाइट पर इस पैलेस को बिल्ड करने का पर्पस क्या था? एज ए वॉच टावर, कि जब आप हाइट पर रहेंगे तो सारे एरिया को वॉच कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब होने वाली है टीम डिवाइड। तो चलिए देखते हैं सर कैसे टीम को डिवाइड करते हैं। ये 12 बच्चे, अरविंद सर आप ले लो इनको। ठीक है, कम दीजिए। जाओ अरविंद सर के साथ रहो। ये 11 बच्चे लाइन बनाओ एक जल्दी से। चलो 1 2 मराठे सर जाओ। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जिंदा रहेंगे सर। बढ़िया है, थैंक यू। वो बच्चे भी खुश होगा। तो फ्रेंड्स टीम हो चुकी है डिवाइड और देखिए यहाँ पर ये है मेरी टीम जो मेरे आगे चलते हुए। देखिए हम लोग आ चुके हैं अब ऊपर और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत महल। देखिए कितना ऊंचा है। ए चिल्लाओ मत। अरे देखो उधर क्या कैमरे में सर हमारा लोग।
व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन। चलो चलो, तो देखिए यहाँ पर सभी टीचर्स अपने अपने ग्रुप के साथ अलग अलग हो चुके हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल सर भी सभी बच्चों की फोटोज खींच रहे हैं किले के नीचे। यहाँ पर गणेश सर उनके ग्रुप के साथ, यहाँ पर मनोज सर और इनका ग्रुप, वहाँ पर देखिए दर्शन सर बैठे हुए हैं बच्चों को लेके उनका ग्रुप। यहाँ पर सभी टीचर्स अपने अपने ग्रुप के बच्चों के साथ हो चुके हैं और दीपक सर यहाँ पर खुद की सेल्फी लेते हुए। देखिए दोस्तों, ये सभी व्लॉग में आना चाहते हैं, एक बार ये वांटेड चेहरों को देख लीजिए। और उनके लीडर, ये सबसे बड़े वांटेड है, ये मुंबई से भाग के यहाँ पे आए। तो फ्रेंड्स, अब समय हो चुका है वापस जाने का। देखिए बच्चे सभी शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ से जो लेना हो उनको ले रहे हैं और कुछ बच्चे बस में पहुँच चुके हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं अब बस की तरफ। कहाँ जा रहा है? यहाँ सर, तो नर्मदा परिक्रमा के दौरान जब वो यहाँ आए तो यहाँ उन्होंने माँ नर्मदा को साक्षात जल के रूप में प्रकट किया, तब इसे इस कुंड को रेवा कुंड कहते हैं। तो रूपमती को जब टॉप फ्लोर से दर्शन नहीं होते थे नर्मदा जी के, तब वो यहाँ आकर करते थे। ये टैंक और इस पेड़ के बैक साइड पर एक स्टेप वेल बना हुआ है, वो अंडर वाटर चैनल कनेक्टेड है। वहां से पर्शियन व्हील के थ्रू वाटर को कलेक्ट करते थे और वॉल के ऊपर बने चैनल पर ड्रॉप करते थे। स्लोप होने के कारण पानी छत से घूमता हुआ। वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। नहीं, इतना पानी नहीं कि तुम डाई मारो। फ्रेंड्स, अब वो पॉइंट देखते हैं जहां से गाना गाया जाता था तो पूरे महल में आवाज आती थी। चलिए, सब दूर रहेंगे, कोई भी बाउंड्री पर नहीं जाएगा, कोई किसी के नीचे नहीं आएगा, सीधे चलना को हमें देख। और
मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग यहाँ से होटल में, और होटल के लिए आपको देखना पड़ेगा मांडव ब्लॉग पार्ट 3। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।